गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल भूगोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, तो पिछले कक्षा में हम मिठाई वाला इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उस अध्याय में व्यक्ति मतलब पहले से आप देख रहे हैं क्या वह व्यक्ति उस मोहल्ले में अनेक चीज बेचने के लिए आता था। जब उन्होंने आता है तो अलग अलग चीज लेकर बेचने के लिए आता था। पहले उन्होंने खिलौने लेकर आया है, दूसरी बार मुरली लेकर आया है, और अब इस बार क्या लेकर आया, उन्होंने मिठाई लेकर आया है, स्वीट। ठीक है, तो अब उन्होंने बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला यह गाना गाते हुए मोहल्ले की ओर से जा रहा था। उस समय रोहिणी, ठीक है, उसे जान लिया। ठीक है, तो जानकर वे क्या करती है, उस व्यक्ति को दादी माँ की सहायता से बुलाती है। बुलाकर क्या करते हैं, घर में उसे बिठाकर पूछती है, ठीक है, तो आप इस मोहल्ले में या इस गांव में आप पहली बार आए हो या तो इससे पहले आप इधर आए हैं। तो इस तरह पूछने के बाद वह व्यक्ति कहता है, नहीं माँ, मैं इससे पहले इधर आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह वह व्यक्ति कहता है। अब उन्होंने इस बार क्या लेकर आया है, स्वीट्स, मिठाई लेकर आया है। तो उस समय उन्होंने मिठाई का दाम भी कहता है, तो पैसे में 16 देता हूँ, 16। तब वो दादी क्या करती है, उस व्यक्ति के साथ व्यापार करने का स्वभाव से, ठीक है, या व्यापार जिस तरह करते हैं, उन्होंने 16 कहता है पैसे को, तो एक पैसे को दादी कितनी पूछती है, कितने पूछती है, उन्होंने 25 पूछती है, बाद में 20 पूछती है। ठीक है, तो वह व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अब क्या दे रहा हूँ, ये तो क्या है, ज्यादा है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। तो इस तरह व्यक्ति कहने के बाद रोहिणी कहती है, रहने दो माँ, ये तो क्या है, ज्यादा है, आप क्या करो, 4 पैसे के ले लो। तो उसके अनुसार उन्होंने खरीदने के लिए तैयार है। आइए देखेंगे जिस तरह उन्होंने क्या कहता है व्यक्ति। ठीक है, तो उन्होंने मिठाई लेते या नहीं, रोहिणी चुक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर, मतलब दरवाजे के आड़ में खड़ी थी। अरे बागला तो मरे एलियन थे इधर। हाँ, और रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। रोहिणी के मन में क्या शक था, डाउट था, उसे उन्होंने पूछती है, आप इधर पहली बार तो नहीं आए हैं, इससे पहले आप इधर आए हैं, लेकिन आप इससे पहले मिठाई बेचने के लिए आए थे या मिठाई के अलावा और कोई चीज लेकर आए थे, पूछती है वो। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, उन्होंने उनके मन में क्या शक था वह सही था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, नहीं, हाँ, ऊपर से बोला है ना, मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला। तो उस व्यक्ति को एक और खुशी हुई, तो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, मेरी याद लोगों को है, तो इस विषय से उसे बहुत खुश हुआ। और संशय, इस तरह क्यों पूछ रहे हैं, मन में डाउट और विस्मय आदि भावों के घबराकर, तो इस तरह अनेक स्वभाव में डूब कर, अरे ई रीति इतना अनेक विचार मुलुगि और केतन विचार मनसिनल्ली योचने शुरुआत, डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो उसका क्या वह मतलब, उस गांव में उन्होंने पहले से कौन कौन से चीज उधर बेच कर गया है, व्यापार करके गया है, उसके बारे में उन्होंने कह दिया। मतलब इसका अर्थ होता है कि रोहिणी के मन में क्या डाउट था, वह इधर क्या हुआ, तो शक के फल हो गए। ठीक है,
रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, मन में क्या शक था वह सही हुआ। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। ठीक है, वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? देखो, तो रोहिणी पूछती है, जब वह व्यक्ति, तो रोहिणी के मन में क्या वह शक था वह कब सही हुआ, तो उस समय उससे भी और ज्यादा विषय उस व्यक्ति से समझने के लिए हो और कुछ प्रश्न पूछने के लिए वो अस्थिर हो उठती है। ठीक है, और उस तरह मन में एक उत्साह का भाव उत्पन्न होती है और वह पूछती है, इन व्यवसाय में से व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? समझ में आ रहे ना? तो इस तरह आप क्या ये काम कर रहे हैं? ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, तो इससे मुझे ज्यादा भला मतलब उत्तम, ठीक है, इससे भी ज्यादा या भला मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खाने भर को मिल जाता है। खाने के लिए, अब पेट भरने के लिए क्या चाहिए, कितना पेट भरने के लिए मुझे जितना चाहिए उतना मिलता है, मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता हूं भी। देखो वह व्यक्ति क्या कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं मिलता इसमें, ठीक है, मेरा मन क्या चाहता है वह जरूर मिलता है। तो उसका, उस व्यक्ति का मन क्या चाहता था, कहता है संतोष धीरज खुशी धैर्य और कभी कभी असीम सुख, असीम मतलब सीमा, मतलब क्या होता है बॉर्डर, असीमा मतलब बिना बॉर्डर, समझ मारे ना, कोने इल्लद अंत हेतरल, हाँ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಸಿಗುವುದು ಬೇಡ, ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಸಾಕು, ಹೌದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಕಭಿ ಕಭಿ ಅಸೀಮ ಸುಖ ಜರೂರ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ಅವ್ರು ಯಹಿ ಮೈ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಬಿ ಹೂ ದೇಖ और मेरा मन यही चाहता है, मन जो चाहता है वह इसमें मुझे मिलता है, सो कैसे वह भी बताओ, वो कहती है, वो कैसे वह भी बताओ, वो जिस तरह कैसे मिलता है वह भी मुझे बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, व्यक्ति कहता है, तो उन्होंने उधर बातें करते बैठ गया तो व्यापार नहीं होता, ठीक है, तो उसके बारे में सोचकर उन्होंने और कहता है, व्यर्थ बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ठीक है, व्यर्थ बातें करते मैं इधर क्यों, व्यर्थ चर्चा मैं इधर क्यों करना है, ठीक है, जाने दो, तो उन बातों को सुनकर, ठीक है, आपको दुख ही होगा, आप भी, मैं दुखित हूँ, दुख में हूँ, ठीक है, तो उन बातों को आप सुनकर आपको दुखित करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, वह विषय जाने दे। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, ठीक है, रोहिणी कह दी है, तो यहां तक आप इधर बैठकर हमारे साथ बातें किए हैं, ठीक है, इतना बताया है आपने, ठीक है, और भी बता दो, वह भी क्या है, क्या आपका मन में दुख है, क्या दुख का विषय है, वो भी हमें, हमारे साथ आप क्या करो, चर्चा करो, बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ सुनने के लिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ, ಅದೇನಿದೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದೇನು ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು, ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ತುಮಾರ ಹರ್ಜಾ ನಾ ಹೋಗಾ ಮಿಠಾಯಿ मैं और भी ले लूं, तुम्हारा हर्ज मतलब नष्ट, ठीक है, वो क्या दुख का विषय है वो भी मुझे बताओ, तुम्हारा कुछ नष्ट न होगा, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा मिठाई मैं लेती हूँ, इससे भी ज्यादा मिठाई मैं लेती हूँ। आप इधर बैठकर चर्चा की तो आपको क्या होता है, नष्ट होता है,
ठीक है मैं जानती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको नष्ट करने के लिए नहीं देती। मैं और क्या करती हूँ, मिठाई मिठाई में और भी ले लूँ, इससे भी ज्यादा मिठाई मैं लेती हूँ। ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅತಿಶಯ ಗಂಭೀರತಾಕ್ಕೆ ಸಾಥ ಮಿಠಾಯಿ ವಾಲಾನೇ ಕಹ ಬಹುತ್, ಅತಿಶಯ ಅಂತ ಬಹುತ್ ಗಂಭೀರತಾ, ಠೀಕೆ ರಜ, ಠೀಕೆ ಮತ್ತ ನಷ್ಟ ಅತಿಶಯ बहुत बहुत गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। ठीक है, कहने के लिए शुरू किया, बहुत गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अपने नगर का मतलब यही नगर का, आप कहा है ये नगर का मैं भी क्या हूं, एक प्रतिष्ठित आदमी था। समझ में आ रहा है ना, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। मकान तो घर, ठीक है, व्यवसाय काम करने के लिए, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर मतलब तो घर में काम करने के लिए, घूमने के लिए गाड़ी, ठीक है, सेवा करने के लिए चाकर नौकर चाकर सभी कुछ था। बहुत आराम का जीवन था मेरा भी। स्त्री थी मतलब पत्नी थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। तो यह सब देखे तो वह भी एक उसका भी एक आरामदायक जीवन था। समझ में आ रहा है, कहता है ना यह सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। देखो इस तरह कहता ಅದು ಏನು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಬಂಗಾರದಂತಹ ಜೀವನವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೇರಾವ ಸೋನೇಕ ಸಂಸಾರದ ಬಾಹರ ಸಂಪತ್ತಿ ಕಾ ವೈಭವ ಇದು ಘರ್ ಮೇ ಸಂಸಾರಿಕ ಸಂಸಾರ ಬಹುತ್ ಆರಾಮ ಥಾ, ಸೋನೆ ಜೈಸ ಸಂಸಾರ ಥಾ, ಠೀಕ ಹೇ, ಔರ್ ಬಾಹರ್ ಕಾ ಸಂಪತ್ತಿ ವೈಭವ ಕಾ ಭೀ, ಭೀತರ ಸಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಥಾ। बाहर संपत्ति का वैभव मतलब आराम से जीवन बिताने के लिए संपत्ति का भी कमी नहीं था, मतलब तो आर्थिक रूप से भी मैं क्या था, बहुत अच्छी तरह से था। और भीतर मतलब अंदर संसारिक सुख था, तो मन नानु ना फैमिली जो बहुत सतोषवा। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, पत्नी बहुत है। वो कहता है ना उस व्यक्ति परिवार के बारे में परिचय कह रहा है। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। देखो स्त्री भी बहुत सुंदरी थी, ठीक है, मतलब पत्नी, और मेरी प्राण थी मतलब ये दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से जीवन चलाते थे। समझ में आ रहा है ना, बच्चे ऐसे सुंदर थे, मक्कळु इष्टु सुंदरवागिद्रु अंद्रे जैसे सोने के सजीव खिलौने, बंगारद जीवंत आटिके सामानगळ तर इद्वु अंत हेळ्तारे। खिलौने मतलब खेलने के चीज, आटिके सामानगळ अंत हेळ्तारे, जीवंत गोंबेगळ तर इद्रु अंत हेळ्तारे। बच्चे बहुत सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी अटखेलियों मतलब उनके खेल, समझ में ना, बच्चे अब नटकट रहते, तुम डर होते तो तुम टाट अटखेलिया तेरे मक्कल आड़ता कंता आट रहो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। घर में बच्चों तो ऐसा ही होता है, ठीक है, आराम से जरा बैठने के लिए भी नहीं होता, मतलब उनकी शोर आवाज, ठीक है, और वे बच्चे खेलते रहते, घर पूरा खिलौनों से भरा रहता है। घर में बच्चे हो उन्हें अल्लाह आदर सामने तुम बिटर रहे आ वस्तु आका ढीकर अल्लाह चल्ला बिल मार बिटर रहे। हाँ, ये रीति है कि मक्कल वंदो आठ दिन ना मने ये कोला हला उन्टा गुप्ति तोंते है तर अष्टो सुंदर वाइर तक
इत्तो अंतर तौर जीवन अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, गति मतलब स्पीड, समय की गति विधाता की लीला, विधाता मतलब भगवान सृष्टिकर्ता, ये सब क्या है भगवान की लीला, समझ में आ रहा है ना। अब कोई नहीं तो ऐसा मेरा जीवन था, परिवार संसार था, लेकिन अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। देखो अब उन्होंने कोई नहीं है तो इस तरह मैं व्यापार करते हुए क्या कर रहा हूं, बच्चों की खोज में निकला हूं, समझ रहे ना। खोज मतलब सर्च, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಖೋಜ್ ಮೇ ನಿಕಲಾ ಹೂ ವೇ ಸಬ್ ಅಂತ ಮೇ ಹೋಂಗೆ ತೋ ಯಹೀ ಕಹಿ, ವೇ ಲೋಗ ಸಭಿ ಯಹೀ ಕೋಯಿ ಮತಲಬ ಯಹೀ ಜಗಹ ಪರ್ ಕಹಾ ತೋ ಹೈ ಯಾ ನಹೀ ಠೀಕ್ ಹೈ ಸೋಚ ಕರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ ಉನ್ಕೋ ಖೋಜ್ ರಹಾ ಸರ್ಚ್ ಕರ್ ರಹಾ आखिर कहीं ना जन्म ही होंगे अंत में, ठीक है। अब इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के बीच में वे लोग मुझे मतलब वे सभी मुझे इसमें कहां तो मिलेंगे, इस तरह मैं मन में भावना रखकर क्या कर रहा हूँ, इन लोगों में मतलब जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ उनको खोज रहा हूं। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह मैं रहकर क्या करता हूं रोज फिगल कर, घुल घुल कर मतलब फिगल कर, करगी करगी साहित्य देने था वह व्यक्ति, तो मन में क्या दुख है उसे उन्हें व्यक्त करता है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, समझ में आ रहा है ना। मैं रोज इस तरह क्या कर रहा हूँ, जरा जरा फिगल कर क्या कर रहा हूँ, मर रहा, और इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो इस तरह मैं काम करते हुए बच्चों के साथ खुशी के जीवन बिताकर, समझ में आ रहा है ना, सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है, तो रोज मैं क्या इस तरह जीवन बिता रहा हूँ, इन बच्चों के साथ कुछ समय मैं बिताता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे क्या होता है, जरा संतोष मिलता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆರೆತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ। ಇಸ್ ತರಹಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಕಭಿ ಕಭಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಅಪನೆ ಉನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕಿ ಏಕ್ ಝಲಕ್ ಸಿ ಮಿಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ, ಇನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಮುಜೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಅಪನೆ ಬಚ್ಚೆ ಥೆ ಠೀಕ್ ಹೈ ಉನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕಿ ಝಲಕ್ ಭಿ ಮುಜೆ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मुझे एक एक बार ऐसा लगता है कि वे मेरे बच्चे, ठीक है, इन बच्चों में मिलकर उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। वे बच्चे भी इन बच्चों के साथ मिलकर, ठीक है, उछल उछल कर खेलते हुए हंस रहे हैं, मेरे साथ वे समय बिता रहे हैं, ऐसा मेरे मन में भावना आती है। उन बच्चों को मैं इन बच्चों के रूप में देखकर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी से जीवन बिता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो। बच्चों यहां तक रहने दो। देखो जिस तरह का वह व्यक्ति, तो रोज उन्होंने व्यापार करते हुए, ठीक है, दूसरों को खुशी से रखने के लिए जब उन्होंने आता है एक नया गाना गाते हुए अपना व्यापार करता था, ठीक है, और बच्चों को खुशी से रखने के लिए जब उन्होंने आता है अलग अलग चीज लेकर आता था, ठीक है, बेचने के लिए, तो ऐसा एक व्यक्ति के मन में जिस तरह एक दुख का भाव है, विषय है, ठीक है, आज हम देख लिए बच्चों। और उस व्यक्ति, वह व्यक्ति तो दूसरों के साथ मतलब रोहिणी और दादी के साथ अपना मन का दुख जिस तरह उन्होंने बांट लेता है, यह सब हम आज देख लिए हैं बच्चों।
तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो व्यक्ति खुशी से रहता है तो उसके मन में क्या होता है, बहुत सारे दुख होता है। हम सोचते हैं वह आराम है, बहुत हंसते हुए समय बिताता है, खुशी से समय बिता रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति के बाहरी स्वभाव देखकर हमें ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। तो मन में अनेक तरह के विषय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाठ का आगे का भाग क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।